हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 28 अगस्त के करंट अफेयर हैं और करंट अफेयर की किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसलिए हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के UNCCD के COP14 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली, आर्डोस, पेरिस, मास्को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, नई दिल्ली, भारत। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, RBI ने किस समिति की सिफारिश पर 1.76 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार देने का निर्णय लिया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तेंदुलकर समिति, बिमल जालान समिति, रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति। तो इसमें राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, बिमल जालान समिति। नंबर 3 ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन के चर्चा का कारण है। तो 4 ऑप्शन है, जैव विविधता, आर्द्र भूमि, दावानल या वनस्पति। तो इन 4 ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर है सी, दावानल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा लॉन्च श्योर परियोजना का संबंध है, यह फैशन उद्योग से, मोटर वाहनों से, उद्योग से, सौंदर्य उत्पादों से, शिक्षा से। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारा ए, फैशन उद्योग से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। तो 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। तो इसमें राइट आंसर है हमारा सी नंबर, बिहार। अगला क्वेश्चन है, इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा लॉन्च की गई प्रोसेसर स्प्रिंग गहिल की विशेषता है, यह AI पर आधारित, आइस लेक प्रोसेसर पर आधारित, बड़े कंप्यूटिंग केंद्रों के लिए डिजाइन, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2018 किसे दिया जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुश्री अपर्णा कुमारी, श्री प्रभात राजू कोहली, श्री रामेश्वर जांगड़ा या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जैविक दवाओं और जन औषधि दुकानों की तलाश के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उमंग, भीम, जन औषधि सुगम या पतंजलि। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, जन औषधि सुगम। अगला क्वेश्चन है, रक्षा संवाददाता कोर्स 2019 संबंधित है। 4 ऑप्शन है, आंतरिक सुरक्षा की रिपोर्टिंग से, तकनीकी की रिपोर्टिंग से, वैश्विक सुरक्षा की रिपोर्टिंग से, सशस्त्र सेनाओं की रिपोर्टिंग से। तो 9 नंबर का राइट आंसर है डी, सशस्त्र सेनाओं की रिपोर्टिंग से। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया जाएगा। तो ये है 4 ऑप्शन है इसमें, फिरोज शाह कोटला, वानखेड़े स्टेडियम, होलकर स्टेडियम और चेपक स्टेडियम। इसमें राइट आंसर है हमारा ए, फिरोज शाह कोटला। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे UNCCD की स्थापना ये हुई थी 1994 में और UNCCD सम्मेलन की शुरुआत ये हुई थी दिसंबर 1996 में। और भारत ने UNCCD पर 14 अक्टूबर 1994 को हस्ताक्षर किए थे और वर्ष 2006 को मरुस्थल और मरुस्थलीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, यह है कोलकाता में और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। और सरकार को दिए जाने वाले सरप्लस ट्रांसफर को डिविडेंट कहा जाता है, यानी लाभांश। और बिहार में प्लास्टिक थैलियों के प्रति इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है और बिहार सरकार ने समूचे राज्य में प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार ने उन कारखानों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए जो इस तरह के प्लास्टिक थैलियों को बनाते हैं।
और राज्य सरकार ने विवाह पार्टी और अन्य समारोहों में प्लास्टिक के एकल उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही कप, थर्माकोल के प्लेट और ग्लास पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो बिहार सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगा दिया है। और फिरोज शाह कोटला का नाम अब होगा अरुण जेटली स्टेडियम। यानी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपने पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली के सम्मान में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम करने का निर्णय लिया है। और इसके साथ ही स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर भी रखा जाएगा। और अरुण जेटली जी वर्ष 1999 से वर्ष 2013 तक दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट अफेयर की वीडियो। तो दोस्तों, आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल का आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।